सब्सक्राइब कीजिए टेक जिला चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जिला चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज पीसी में कॉस्टम कलर को कैसे चेंज करते हैं, वो आज के वीडियो में देखेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, बस आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है पर्सनलाइज में, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज कलर, यहाँ से इसको ओपन कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करना है, सेव एंड चेंज कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं टास्क बार का कलर भी चेंज हो चुका है और स्टार्ट मेनू का कलर भी चेंज हो चुका है। और आप यहाँ से कलर मिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बस इसको ऐसे कलर मिक्स कर देना, आपको अपने हिसाब से जो चाहिए वो रख सकते हैं आप। तो आप इस तरह से विंडोज पीसी में कॉस्टम कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों आज के वीडियो बताने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए टेक जिला चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।